नमस्ते, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो हम ये है कि कुछ जमशेदपुर से आए हुए 2 वीक्स हो गए हैं एंड गेस व्हाट, वी आर गोइंग टू कुर्क। तो कुर्क को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। टाइम मैं आपको दिखाती हूँ, टाइम हो रहा है 12:10 और हम फुली एक्साइटेड हैं। फटाफट पैकिंग करी, देखो इतना जल्दी से कर पाए हम। तीनों का सारा सामान ये एक ट्रॉली में हमने एकोमोडेट कर लिया है, तो सामान पैक्ड है, मतलब बस जाना है। बहुत दिन हो गया था, मतलब लॉकडाउन के बाद से घूमने का कभी मौका नहीं मिला वैसा, तो हम फटाफट जाएंगे और आपको रास्ते के बारे में बताएंगे कि कौन सा बेस्ट रूट है, कौन सी रूट लेनी है, कौन सी नहीं, ट्रैफिक कैसा है, क्योंकि अभी 12 बज गया है, 5 घंटे का रास्ता होने वाला है। तो हम फटाफट चलते हैं एंड लेट्स गो एंड मीट अप एट कुर्क। सो हम ये नाइस रोड का टॉल चेकआउट करते हुए, तो होपफुली यहाँ पे भी होगा हम लोगों का फास्ट टैग। तो वी आर वेटिंग और ये अब नाइस रोड हमारा, और नाइस रोड इज द बेस्ट रोड टू ड्राइव, यार मजा आ जाता है। सो अभी एक हमारे साथ छोटा सा चोपा हो गया है नाइस रोड में गाइस। सो ये सामने वाले ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोक दिया है, और बेसिकली ना नाइस रोड का स्पीड लिमिट 80 है, बट हम कुछ अराउंड 85-90 पे चला रहे थे। बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं थी हमारी गाड़ी, लेकिन वही 1000 रुपीज़ का फाइन देना पड़ा हमें। और हम मतलब रूल्स होती हैं एट द एंड ऑफ द डे यार, और हमें ओबे करना बनता है। तो देखिए बाकी भी गाड़ियों को वो रोक रहे हैं, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां मतलब स्पीड में निकल रही थी। देखो एक और गाड़ी को रोका जस्ट हमारे सामने, तो बस वही है। तो ये जो एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना मैसूर रोड पे, पूरे स्विंग पे है, तो उसके वजह से यहाँ भी थोड़े थोड़े डिविएशन हमें मिल रहे हैं। तो इधर से अगर आप इन केस मैसूर रूट लेते हो तो यू कैन कीप दिस इन माइंड कि ये कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। Deviations, deviations and deviations, Mysore road पे। विवान मस्त अपना पीछे टॉयज वॉयज लेकर के वो अपना ही व्यू एंजॉय कर रहा है। सबसे लास्ट वाली सीट को हमने आज नीचे कर दिया था, तो वहां पे वो उसके लिए सफिशियंट स्पेस बन गया है, तो जाके आप देख पा रहे होंगे, तो उसको थोड़ा स्पेस मिल जाता है इधर उधर, मतलब ये बीच वाले सीट पे नहीं रह के सबसे पीछे वाले सीट पे चला जाता है अपना आराम से। कुछ 6-7 टॉयज रख लिए ना, तो फिर बस वो उसी में एंगेज रहता है और हमारी जर्नी आराम से जाती रहती है। तो वेलकम टू सिल्क सिटी, रामनगरा आ गया। तो फॉर इंफॉर्मेशन आप सबको बता दूं कि रामनगर ही वो जगह है जहाँ पे शूटिंग हुई थी शोले की। तो अगर आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि आज जा करके और आपको शोले के जो मतलब सेट या वो सब मिले, तो वो तो नहीं मिलेगा। आप वो जगह की फील जरूर ले सकते हो कि शोले यहीं पे शूट हुआ था, तो वो पहाड़ वहाड़ और वो सब रॉक जैसा जो था ना पूरे ये में मूवी में, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। पर यस, सेट या उसका रूइंस या फिर कुछ भी ऐसा लेफ्ट ओवर नहीं है। भूख लगी थी ना, इतना जोर से भूख लगा है। हम वेट किए जा रहे हैं 1:30 के आसपास से कि कोई अच्छी ढंग की होटल मिले, तो फाइनली मांडिया करके एक जगह है जहाँ पे हम रुके हैं, और मैं आपको होटल का एक व्यू दे दूँ। ये वो होटल है, थिम्मा दास प्योर वेज होटल है मांडिया के पास। आ गए इस होटल के अंदर, तो ये एसी के लिए स्पेसिफिक प्लेस कार्व्ड आउट है इसी होटल के अंदर। चलिए आपको दिखाती हूँ कि बेसिकली साउथ इंडियन मील में होता क्या है और क्यों इतना अमेजिंग लगता है। बेसिकली जो साउथ इंडियन मील है वो कुछ ऐसा दिखता है, बहुत हैवी होता है, मैं पूरा कंप्लीट तो नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ा तो जरूर ट्रांसफर होता है पति जी के प्लेट में, बट यस जितना हो सकता है उतना खा लेती हूँ। ये कोई डे पॉल इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल हमारे राइट में पड़ा था, बहुत सुंदर सा स्कूल है यार, बहुत खूबसूरत है, बड़ा सा कैंपस दिखा। और कुर्ग जो है ना हमारा, कितना किलोमीटर्स है मैं बताती हूँ,
एग्जैक्टली तो कुर्ग जो है यहाँ से इस रोड से 91 किलोमीटर है और इस जगह का नाम कुछ अवरहल्ली माइसोर करके बोलते हैं। अंदर अंदर एक्चुअली हमें ना प्रॉपर मेन माइसोर सिटी के अंदर नहीं ले गए हैं, ले गया जीपीएस, बेसिकली हम लोग बाहर बाहर से जा रहे हैं। सो ये क्विकली सनरूफ का एक व्यू देना चाहूंगी आप सबको, देखिए कितना अमेजिंग दिख रहा है ऊपर नीला नीला आसमान। सर के हाइड्रेशन का टेक केयर हो गया है, विवान के हाइड्रेशन का टेक केयर हो गया है, आई एम दी ओनली लेफ्ट वन, तो मैं भी फटाफट ग्रैब करूंगी। ठीक है यार, मुझे तो अब हॉलीडे वाली वाइब्स आ रही हैं, बड़ा मजा आ रहा है, अमेजिंग रास्ते शुरू हो चुके हैं। मडिकेरे कुछ यहाँ से 98 किलोमीटर है और व्यू बहुत ही अमेजिंग, रोड ऑल्सो अमेजिंग, तो काफी अच्छा दिख रहा है। सो हम अभी आए हैं एक छोटू से होटल में रुक रहे हैं और मैं बस अपने कार का डोर लॉक कर देती हूँ, नहीं तो एट टाइम्स मैं बहुत केयरलेस हो जाती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं, एक MGS होटल करके है और यहाँ पे क्विक चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। टाइम अराउंड 5 हुआ है एंड बस 5-10 मिनट के लिए रुकेंगे, थोड़ा विमान को भी स्ट्रेच करने का मौका मिल जाएगा और उसके बाद बाकी की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, है ना। सो यार शाम का वक्त है और अमेजिंग, ये मेरी प्यारी सी धन्नो यहाँ खड़ी। अच्छा बाय द वे आपको मिलवाती हूँ धन्नो की बहन से भी, धन्नो की बहन भी इधर ही, ये देखो यहाँ पे एक और वाइट कलर की शानदार सी अल्कज़ार खड़ी। सो ये मेरी अल्कज़ार एंड ये वाइट कलर वाली, आई डोंट नो किन की अल्कज़ार है बट आई थिंक ये एक्सपीरियंस करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये शोरूम से मोस्टली आया होगा। यहाँ पे काम की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो बस एक ग्लैंस दे देती हूँ आपको, क्लीन है। इसके बिना ना मेरी ट्रिप्स अधूरे रहते हैं, ये चाय, नॉट इवन कॉफ़ी, चाय को मैं किसी चीज़ से रिप्लेस ही नहीं कर पाती हूँ, तो चाय तो चाहिए। और ये देखिए सन का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, लकीली हर ट्रिप में एक बार तो मिल ही जाता है इस तरह से देखने का, तो मतलब काफी खूबसूरत दिख रहा है, देखिए नाउ कितना सुंदर लग रहा है, है ना। सो आइए चलिए आपको भी एंजॉय करवाती हूँ इतना ब्यूटीफुल सा व्यू जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं। मिस्टर डीके आपके क्या थॉट्स हैं? मजा आ रहा है सीनरी को देख करके, है ना, अमेजिंग लग रहा है ना, कितना ब्यूटीफुल और ठंडक समर के महीने में, और ऑलमोस्ट हम लोग एजेस के बाद कितने साल बाद हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, लॉकडाउन 2-3 साल होने के बाद आई थिंक यही है, हम लोग काफी दिनों बाद जा रहे हैं ना इस तरह का कुछ वेकेशन के लिए। एंड कुर्ग वॉज बाय द वे लॉन्ग टाइम ड्यू ऑन यू, आप बहुत दिन तक डिले किए हो कुर्ग के ट्रिप को लेकिन बहुत मजा आ रहा है, आई थिंक रास्ता बहुत खूबसूरत है, जंगल टाइप का ऐसे एरिया से हम बीच बीच से जा रहे हैं तो बहुत अमेजिंग लग रहा है और बस पहुंचने का वेट है। एंड हम टाइमिंग जैसा आपको बताती हूँ, कुछ 25 किलोमीटर्स है और वही 7:30-8 बजे के आसपास हम पहुँचे।
जफकर्ग लिखा हुआ था वहां पे। बाय द वे फोक्स, ये हमारी 10th एनिवर्सरी है और इसी रीजन से हम लोग आए हैं यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए। तो लकीली लॉकडाउन वगैरह नहीं था, नहीं तो मुझे लग रहा था कि एनिवर्सरी भी हमारा लॉकडाउन में ही जाएगा, लेकिन देखते हैं। कुर्ग हम आ चुके हैं, एंटर तो कर चुके हैं एंड ये शायद से कुर्ग का मार्केट। एंड गेस व्हाट, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इट्स रेनिंग इन कुर्ग। तो कुर्ग का क्या है ना, बेसिकली टेम्परेचर ऐसे 24-25 डिग्री रहता है मोस्टली, और गर्मी के दिन पे नॉर्मली मतलब कभी कभार 29-30 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। और देखो बारिश हो रही है, दैट्स द बेस्ट पार्ट, बारिश होगी तो टेम्परेचर अच्छा रहेगा, ठंड रहेगी। ये इट्स रेनिंग हियर। आई थिंक अभी पीक सीजन है ना, तो थोड़ा क्राउडेड रहेगा, और बैंगलोर का ऐसा है ना कि अगर दो तीन मतलब छुट्टियां एक साथ रहती हैं या एक्सटेंडेड वीकेंड होता है या फ्राइडे सैटरडे संडे टाइप्स, तो ना पूरा बैंगलोर खाली हो जाता है। और इस तरह के डेस्टिनेशन में आपको लोग ज्यादा दिखेंगे, मतलब कुर्ग हो गया, ऊटी हो गया, मैसूर हो गया, सारे होटल सभी इन सारे टूरिस्ट प्लेसेस के ना बुक्ड होंगे, वायनाड तक, केरला तक। और देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है, तो बहुत सीनिकली ब्यूटीफुल लग रहा है और ये पूरा व्यू बहुत सुंदर है। देखिए सामने दूर तक दोनों साइड ग्रीनरी और बीच में रोड काफी दूर तक दिख रही है। जस्ट सी दिस पिंक पिंक स्काई। और ये हम जंगल के बीच से क्रॉस हो रहे, देखिए दोनों तरफ घने जंगल हैं, बीच बीच में ना आपको एक आधा रिजॉर्ट दिख जाएगा लेकिन जंगल ही है दोनों तरफ बेसिकली। सी रास्ता यार, इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना, मैं क्या ही बोलूं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए हल्की सी बारिश हो रही है एंड इतना मजा आ रहा है यार सनरूफ से बाहर आकर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कभी कभी बच्चा बनना चाहिए है ना, जरूरी होता है। देखो कितना अमेजिंग सा व्यू है, सी एंड इट्स चिल कोल्ड मस्त वाला वेदर है यार, कोई एसी वेसी कुछ की जरूरत नहीं है। एंड वी आर हियर, आई एम लविंग एवरी बिट ऑफ इट, मजा आ रहा है। आपको मून का एक व्यू दूंगी, बहुत सुंदर लग रहा है आज मून, आज पूर्णिमा है और देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मून। और ये हम जंगल के बीचों बीच, देखो क्यों ना आप भी मेरे साथ ट्रैवल करो है ना। सो अमेजिंग सा व्यू, जंगल जंगल रास्ते। और ये हमारी रिजॉर्ट तो लगता है कुछ ज्यादा ही मस्त वाले जगह पे है। कांट वेट टू रीच देयर, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा सा व्यू है। इसी रूट पे स्ट्रेट जाके कुछ 3 किलोमीटर्स पे, आई थिंक 3 भी नहीं होगा, कुछ 2.8 किलोमीटर्स पे हमारा रिजॉर्ट आ जाएगा। यही है ना, तो ये हमारी रिजॉर्ट का एंट्री, ये देखो
पैडिंगटन रिजॉर्ट इज द नेम। और सो आई थिंक यहाँ से प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है। ये देखिए और ये हमारा प्रॉपर्टी, ये तो काफी बढ़िया दिख रहा है। देखो काफी सारे लोग हैं, लेफ्ट में गाड़ियां पार्क कर रखी हैं। एंड हियर इज आवर प्रॉपर्टी, द एंट्री गेट। रिसोर्ट का पार्किंग किधर है? अंदर है ना, ठीक है उधर भी लगाओ, इसलिए कंफ्यूजन है। ये सर इधर येलो बोर्ड के लिए बाहर है। ओके अच्छा अच्छा, मस्त मजा आ गया यार। वो देखिए हमारे रिजॉर्ट का नाम वहां पे, जो मैंने अब तक आपसे सरप्राइज रखा था। और ये एंट्रेंस रिसेप्शन इधर ही लेफ्ट पे है। वाओ आई एम लकी एनफ कि इस जगह पे मुझे मिल गया स्पेस, नहीं तो विवान इज लाइक वाओ। सो विवान के साथ सनरूफ से आज बाहर निकल के चुपके से मैंने भी एंजॉय कर लिया, जहाँ मैंने देखा कि भीड़ भाड़ नहीं है, तो डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है यार। ये देखिए काफी हैपनिंग, काफी सुंदर सा प्लेस है यार, मतलब अमेजिंग है। देखो सो आइए चलिए क्विकली आपको दिखाती हूँ अपने रूम का व्यू। तो ये हम लोगों का रूम है, इसको मेलो ग्लोरी कैटेगरी में रखा गया है। सो ये बहुत ही मस्त वाला जगह है, सुबह हम लोगों को वॉक वॉक पे जाना है। सी ये विंडो, इससे बाहर का आप देख सकते हो। ये बड़ी सी मिरर है, काफ़ी अच्छी दिख रही है। यहाँ पे आप अपना कुछ कुछ रख सकते हो सामान, किंग साइज बेड, एसी वेसी लगा हुआ है, फैन भी है। ये तो ये ब्लाइंड्स है ना, ये वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है, सारी चीज़ें दे रखी हैं, वेल सैनिटाइज स्पेस है ना, ये अच्छा लग रहा है, दिस इज़ गुड। देखो काफ़ी सारे ड्रॉयर्स वगैरह हैं, दे रखे हैं, यहाँ पे फ्रिज भी है, और ये कबर्ड है, सफिशिएंट स्पेस है, लॉकर दिया हुआ है, लॉन्ड्री बैग रखी हुई है। आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग इन द स्पेस। यार मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार, अमेजिंग प्रॉपर्टी है। देखिए ये सिटिंग एरिया है, काइंड ऑफ लिविंग स्पेस एक दे दिया है, तो काफ़ी सुंदर है ना। ये देखो लिविंग एरिया टाइप का, आराम से वहाँ चाय वाय पी के बैठ के खावा सकते हो आप। सो ये हम अपने डिनर एंजॉय करते हुए, बाय द वे डिनर और ब्रेकफास्ट हमने कॉम्प्लीमेंट्री करवा लिया था, तो ये हमारे पैकेज में ही इंक्लूडेड है, और काफ़ी अच्छा डिनर है, डिलीशियस है। कल का प्लान ये है कि कल मैं इस पूरे प्रॉपर्टी को रिव्यू करूंगी, पूरा आपको एक वॉक थ्रू दे दूंगी इस प्रॉपर्टी का, कैसा है बेसिकली। एंड यस गाइस, एक सोने के पहले, बस गुड नाइट बोलने के पहले एक रिक्वेस्ट की हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। एंड दैट्स इट, गुड नाइट, मिलते हैं नए व्लॉग में।